आज मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस में लाइव फीड में दिखाया जा रहा है कि शालिन एंड प्रियंका चौधरी के बीच में बहुत गहरी दोस्ती हो रही है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट भी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। बात यह है कि जब भी अंकित एंड प्रियंका की लड़ाई होती है या टीना दत्ता एंड शालिन की लड़ाई होती है, तभी शालिन एंड प्रियंका दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करते हैं, जो कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। ऐसे में जो शालिन है वो प्रियंका चौधरी के साथ टीना दत्ता को लेकर अपनी फीलिंग शेयर कर रही है और वो कह रहे हैं कि प्रियंका तुम लोग जी बात कह रहे हो कि टीना दत्ता और मेरा रिलेशन फेक है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है। तभी प्रियंका चौधरी उनको सीधा सीधा कह देती है कि शालिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन जो हमें फील होता है, जो हम देख रहे हैं ना, उससे तो सिर्फ ये ही पता लग रहा है कि आप अकेले उस रिश्ते को बनाने में लगे हुए हैं। टीना दत्ता की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आप उसके पीछे पीछे जाते हैं, वो आपके लिए कभी कुछ करती हुई नहीं दिखी। तो तभी शालिन कहते हैं कि हाँ मैं उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती बनाना चाहता था, मैं पहले दिन से उनको बहुत अच्छा मानता था, मैं चाहता था कि हमारे बीच में एक सच्ची दोस्ती हो, लेकिन जब टीना दत्ता मेरे साथ छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ जाती है ना, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। तभी प्रियंका चौधरी कहती है कि हमें सिर्फ यही बातें फेक लगती है और हमें ये बात भी उसकी फेक लगती है कि वैसे तो वो सिर्फ दोस्ती का रिश्ता दिखाती है, लेकिन फिर वो जानबूझकर, जैसे कोई लड़की किसी बॉयफ्रेंड को जानबूझकर परेशान करती है किसी और लड़के का नाम लेकर, तो फिर टीना दत्ता आपके सामने ऐसी हरकतें क्यों करती है। तभी अंकित गुप्ता मुझे आकर बताते हैं कि जब आपको जलाना होता है टीना दत्ता ने, तब वो अंकित का नाम लेती है। तभी शालिन कहते हैं कि हाँ जी बात तो राइट है। तभी प्रियंका कहती है कि हमें सिर्फ इस वजह से जो आपका रिलेशन है वो फेक लगता है। आपको क्या लगता है कि जो प्रियंका चौधरी कह रही है क्या वो राइट है या रॉन्ग, तो प्लीज़ आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।